आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि DRDO एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रही है जो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ में आएगी। देखिए, इस समय अगर भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना के पास में काफी अलग अलग तरीके की सबमरीन हैं, जैसे कि रशियन मेड किलो क्लास की सबमरीन, जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई गई टाइप 209 क्लास की सबमरीन और फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बनाई गई कलवरी क्लास की सबमरीन। ये तीनों तरीके की सबमरीन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है और ये एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी इन्हीं देशों से अक्वायर किए जाते हैं। किलो क्लास की सबमरीन से भारतीय नौसेना क्लब मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकती है, वहीं पर टाइप 209 हार्पून मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करती है और कलवरी क्लास की सबमरीन एक्सोसैट मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करती है। वैसे अगर भारतीय नौसेना की फेवरेट मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम सबमरीन से लॉन्च नहीं की जा सकती। नॉर्मली सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स इनके टॉर्पिडो ट्यूब से लॉन्च की जाती हैं और टॉर्पिडो ट्यूब की मैक्सिमम डायमीटर 21 इंचेस का होता है। वहीं पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का डायमीटर 23.62 इंचेस का है, यानी कि इन थ्योरी इंडियन नेवी की करंट सबमरीन से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च नहीं किया जा सकता है और कहीं न कहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत अक्वायर की जाने वाली सबमरीन में इसी वजह से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की मांग रखी जा रही थी ताकि ये सबमरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सके। वहीं दूसरी ओर इस समय DRDO की तरफ से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप की जा रही है। ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम 20.54 इंचेस का डायमीटर रखेगी, यानी कि इसको काफी आसानी से एग्जिस्टिंग सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। अगर आप भारतीय नौसेना के करंट बेड़े को देखते हैं और उनकी सबमरीन लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को वैलिडेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम रेंज आपको 300 किलोमीटर की मिलती है। और अगर आप DRDO की मिसाइल सिस्टम की बात करें तो अगर आप पब्लिकली अवेलेबल डेटा को एक्सट्रपोलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 2.5 गुना ज्यादा होने वाली है, यानी कि उसी डायमेंशन के अंदर ये मिसाइल सिस्टम आपको लगभग 2.5 गुना ज्यादा रेंज देगी। ये चीज पॉसिबल होगा क्योंकि इसमें यूज होने वाला प्रोपल्शन सिस्टम एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम होगा और इस प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल बेहतर तरीके से बर्न होगा जिससे आपको उतने ही फ्यूल में ज्यादा रेंज मिलेगी। लगभग एक साल पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि DRDO की तरफ से एक ऐसी मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है जो भारतीय नौसेना की सभी सबमरीन से लॉन्च की जा सकेगी, लेकिन उस समय हमें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये मिसाइल सिस्टम इतनी जल्दी DRDO की तरफ से बना ली जाएगी। हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर भी तैयार कर लिए गए हैं। फिलहाल के लिए पहले टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को एक पॉन्टून से लॉन्च किया जाएगा और पॉन्टून बेसिकली एक सबमरीन को मिमिक करेगा, यानी कि शुरुआती टेस्ट के दौरान इंडियन नेवी की किसी भी सबमरीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस पॉन्टून की मदद से एक सबमरीन को मिमिक किया जाएगा और लॉन्च एक सिमुलेटेड लॉन्च होगा। मोस्ट लाइकली पहले लॉन्च के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को केवल इग्नाइट करके छोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसको पूरी रेंज के लिए शायद टेस्ट ना किया जाए। नॉर्मली ऐसा करके ये चेक किया जाता है कि क्या मैकेनिज्म पूरी तरीके से काम कर रही है, क्या इग्निशन भी हुआ है या नहीं, और अगर ये इनिशियल चीजें पूरी तरीके से करेक्टली होती हैं तब फॉलो ऑन टेस्ट के दौरान इसको पूरी रेंज के लिए टेस्ट किया जाता है। हिस्टोरिकली इस तरीके के टेस्ट को लेकर मीडिया की तरफ से जो कवरेज की जाती है वो बहुत खराब की जाती है। ये प्रीकर्सर टेस्ट को कई बार उनकी तरफ से फेलियर मार्क कर दिया जाता है और उनको आइडिया भी नहीं होता है कि यहाँ पर टेस्टिंग केवल एक लिमिटेड कंपोनेंट की हुई थी। मैं इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा कि कई बार मीडिया की इन रिपोर्ट से मैं भी डिसीव हुआ हूँ और मैंने भी शुरुआती दौर में निर्भय के टेस्ट के दौरान ये चीज मान ली थी कि ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से फेल हुई है, लेकिन जब प्रोजेक्ट टीम के साथ में हम लोगों को बात करने का मौका मिला था तब जाकर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे। एनीवेज, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम किस तरीके की दिखने वाली है। मेरा पर्सनल मानना है कि ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक डेरिवेटिव होगा और अगर ऐसा होता है तो इसकी रेंज काफी शानदार होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।